फाइंड द वैल्यू ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। कभी कभी ये लिख के आ सकता है कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ये प्रूफ करो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, करेंगे कैसे, वन का वन लिखा, टेन थीटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये याद होना चाहिए, और स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर दोनों में लगा दिया, फिर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर है यहाँ प्लस लगाए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन को हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझ लिए वन छुपा हुआ है, यहाँ पर भी इसके नीचे वन छुपा है, तो जब इन दोनों बीच में प्लस या माइनस होता है तो एलसीएम लेते हैं ना डिनोमिनेटर का, तो इन दोनों का एलसीएम कॉस स्क्वायर बनता कॉस स्क्वायर आया बड़ी लाइन के लिए, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो ये इससे कॉस स्क्वायर बनता कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनता साइन स्क्वायर, यही चीज़ नीचे भी की, कॉस स्क्वायर नीचे आ गया यहाँ प्लस में आया। अब अगले स्टेप में ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, ठीक है, अब क्या बचा, ऊपर जो बचा वो लिखा, ये बचा ये लिखा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर वन प्लस, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, ठीक है, प्लस वाले में वन होता है माइनस वाले में नहीं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये कॉस टू थीटा भी का फॉर्मूला भी होता है, ये भी लिख के आ सकता, तो बस ये प्रूव हो गया, नीचे वन बचा वन लिखते नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया बात, कॉस टू थीटा का भी फॉर्मूला यही होता है, तो आप याद रखिएगा।